भारत को एक सूत्र में पिरोने का काम अगर किसी ने किया है तो वह है सरदार पटेल, जिन्होंने अपनी सूझबूझ के दम पर हमें आज का भारत दिया है। सरदार पटेल ही वह व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत में अलग अलग बटी हुई 565 रियासतों को एक करा और आज के भारत के निर्माण में अहम भूमिका निभाई। हाल ही में बनाए गए स्टैचू ऑफ यूनिटी की वजह से सरदार वल्लभ भाई पटेल चर्चा का विषय बने हुए हैं। आज की इस वीडियो में हम सरदार पटेल की कहानी शुरुआत से जानने की कोशिश करेंगे। वल्लभ भाई जावेर भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को ब्रिटिश इंडिया के नदियाद नामक जगह पर हुआ था। उनके पिता का नाम जावेर भाई पटेल और मां का नाम लाडबाई था। वह कुल 6 भाई बहन थे जिनमें वह अपने माता पिता की चौथी संतान थे। बचपन से ही पटेल एक बहुत ही मजबूत सोच के व्यक्ति थे। पटेल ने अपनी शुरुआती पढ़ाई नदियाद में ही की थी। आपको जानकर शायद हैरानी होगी पर जब सरदार पटेल 22 साल के थे तब जाकर उन्होंने अपनी हाई स्कूल की परीक्षा पास करी थी। परिवार वालों को लगता था कि वे अपने लक्ष्य के प्रति अस्थिर हैं और यहाँ तक कि उनके जीवन में कोई लक्ष्य ही नहीं है, पर इन बातों के विपरीत वल्लभ भाई पटेल के कुछ सपने थे जिन्हें वे पूरा करना चाहते थे। इनमें से एक था एक बैरिस्टर बनना, जिसके लिए उनको लंदन जाकर पढ़ाई करनी थी। अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने कई साल अपने परिवार से दूर बिताए। उन्होंने लॉयर से किताबें उधार ले लेकर पढ़ाई करी। इसके अलावा उन्होंने खूब परिश्रम किया और पैसे बचाते रहे और कहा जाता है कि उन्होंने सिर्फ 2 सालों में एग्जाम क्लियर कर लिया था, जिसके बाद वे लंदन गए और वहाँ बैरिस्टर की पढ़ाई की और बहुत ही अच्छे नंबर्स के साथ पास भी हुए, जिसकी वजह से उनको वहाँ की सरकार से भी कई नौकरियों के ऑफर आए, लेकिन उन्होंने सबको ठुकरा कर भारत आना ज्यादा बेहतर समझा। पढ़ाई पूरी करने के बाद वल्लभ भाई पटेल वापस भारत आ गए और अपना काम शुरू कर दिया। वे बहुत ही कुशल वकील थे। अपनी वकालत के शुरुआती समय में ही उन्होंने अपना एक अलग ही नाम बना लिया था। उन्होंने शुरुआती समय में अहमदाबाद में ही अपनी प्रैक्टिस करी। 1917 वो वक्त था जब वल्लभ भाई पटेल का ध्यान राजनीति की ओर पहली बार आया और इसी के चलते उन्होंने अहमदाबाद के कमिश्नर का चुनाव लड़ा, जो कि वे बड़ी ही आसानी से जीत गए। इसके साथ ही गांधी जी के साथ उनकी नजदीकियों से उनका इंटरेस्ट राजनीति में पहले से भी ज्यादा बढ़ने लग गया। साल बीतते गए और वह अपना काम लगन से करते रहे। 1928 आते आते वे राजनीति में भी एक जाना माना नाम बन चुके थे। इसी साल बरदोली नामक जिले के किसानों के ऊपर सरकार टैक्स के नाम पर मनमाना पैसा वसूल कर रही थी। तब इसके उपाय के लिए वल्लभ भाई पटेल ने एक सत्याग्रह अभियान की रूपरेखा तैयार की और इस सत्याग्रह में उन्होंने किसानों का सफल नेतृत्व किया, जहां से किसानों द्वारा उनको सरदार की उपाधि दी गई और इसी के साथ उनके नाम में सरदार नाम जोड़ा जाने लगा। सरदार पटेल राजनीतिक गलियारों में अब एक बहुत ही बड़ा चेहरा बनने लगे थे। अब सारा देश उनको एक कुशल नेता के रूप में देखने लगा था। इसके बाद उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भी अहम भूमिका निभाई। उनकी बेदाग छवि और लोगों को अपनी तरफ मिलाने की काबिलियत से घबराकर अंग्रेजी हुकूमत ने 9 अगस्त 1942 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद उनको 3 साल जेल में ही रखा गया। 3 सालों तक सजा काटने के बाद जब वह रिहा हुए तब देश आजाद होने की कगार पर था। ऐसा कहा जाता है कि सरदार पटेल ही वह व्यक्ति हैं जिन्होंने पाकिस्तान को एक अलग देश बनने का समर्थन दिया, क्योंकि उनके मुताबिक इससे दोनों ही देशों में बढ़ते हुए दंगे कम हो जाएंगे। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ और जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बनाए गए। वहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल को देश का पहला डेप्यूटी पीएम बनाया गया। भारत भले ही आजाद हो गया था पर अभी भी भारत एक सूत्र में नहीं बंधा था, क्योंकि भारत में सैकड़ों की संख्या में अलग अलग रियासतें थी जिनके अपने कानून, नियम और पुलिस हुआ करते थे। ऐसे में एक भारत का सपना अधूरा था। अब इन रियासतों को भारत में जोड़ने का काम सरदार पटेल को दिया गया, जिन्होंने भारत की 565 अलग अलग रियासतों को भारत में बड़ी आसानी से जोड़ लिया। सिर्फ जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद ही वह रियासतें थी जिन्होंने भारत में जुड़ने से मना किया, पर पटेल ने अपनी समझ, सूझबूझ और कुशल नेतृत्व की क्षमता से किसी तरह इनको भी भारत में जोड़ लिया और हमको आज का भारत एक संपूर्ण भारत दिया। भारत के इस लौह पुरुष यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मृत्यु 15 दिसंबर 1950 को भारत के बॉम्बे स्टेट में हार्ट अटैक के कारण हुई। यह वो वक्त था जब भारत ने एक ऐसे व्यक्ति को खोया जिसने देश और इसकी अखंडता के लिए पूरा जीवन न्योछावर कर दिया था। 1991 में उनको भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया गया। सरदार पटेल जी को सम्मान देने के लिए भारतीय सरकार ने 31 अक्टूबर 2018 को सरदार पटेल जी की 182 मीटर की प्रतिमा का शुभारंभ किया।
यह दुनिया की अब तक की सबसे ऊंची प्रतिमा होगी। इसकी ऊंचाई स्टैचू ऑफ लिबर्टी से भी कहीं ज्यादा है। इस प्रतिमा को गुजरात के वडोदरा में बनाया गया है और इसको स्टैचू ऑफ यूनिटी नाम दिया गया है। ये प्रतिमा अपने आप में ही सरदार पटेल के देश के प्रति किए गए गौरवमयी काम को दर्शाती है। इसका उद्घाटन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। और हम अगली वीडियो किन टॉपिक्स पर बनाएं आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप इस स्टैचू के बारे में क्या सोचते हैं आप हमें वह भी कमेंट करके बताएं। और दोस्तों, अगर आप ऐसी वीडियो पहली बार देख रहे हैं और ऐसी और वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लाता रहूँगा।